आपकी शादी हो गई? जी हो तो गई है, एक बार या 20 बार? हुई तो एक बार है, लेकिन आज 10-12 साल से रोज रिपेंट कर रहा हूँ सर, कंपनी मैंने अभी तक नहीं की। तो आपका फेवरेट गाना कौन सा है इसको? मेरा फेवरेट गाना है चाशनी आल्सो। ओके ओके, मेरा फेवरेट गाना क्यों चूज कर लिया आपने? सॉरी, चाशनी बहुत अच्छा गाना है, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत लगी है चाशनी। अच्छा हरमान सर, मेरी बॉडी भी ना आपकी जैसी बन जाए। अच्छा, तगड़ा तगड़ा मीठा खाओ, ढेर सारे चावल खाओ, ऐसे करने से मतलब मेरे भी सिक्स पैक है जाएंगे आपकी जैसे। सबसे आसान तरीका और मजेदार तरीका यही है सर। मेरी बड़ी एक पुरानी ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ एक फिल्म करूं सर। पहले बोला होता भारत में ही आपको यूज कर लेते हैं, क्योंकि एक एक्टर, उसका नाम आसिफ शेख है, हमारी पिक्चर में उसने बहुत ही अच्छा किरदार निभाया है और बहुत ही अच्छा काम किया है, वो आपको एनी वी कुड हैव रिप्लेस हिम। अच्छा अच्छा, बहुत बोल गए हो तुम, क्या पता है तुम्हें मेरे खानदान के बारे में? जरा मैं भी सुनूं, क्या पता है तुम्हें? तुम्हारे प्यार के चक्कर में उन्होंने मुझे कितना धोया है, कितना मारा है उन्होंने। इनके डैडू, इनका भाई पुत्तन, एक नंबर के घटिया आदमी है। सच तो ये है कि आप उनकी सीधी सादी भोली भाली लड़की को फंसाए थे। मेरे साथ भी तो यही हुआ है। अरे चिकनी चुपड़ी बातें कर करके इस आदमी ने मुझे फंसा लिया। फंसाया तुमने था मुझे अपनी अदाएं दिखा दिखा के। एंड यू स्पाइक्ड माय ड्रिंक, यू रिमेंबर? यू यूज्ड मी, रादर मिसयूज्ड मी। मेरे और अनुराग के साथ भी ना बीच में यही सब हो रहा था। अच्छा, बात तलाक तक पहुंच गई थी। फिर क्या हुआ? भला हो उस काउंसलर का, उसने मुझे और अनुराग को कुछ उपाय बताए। देना उस काउंसलर का नंबर, मुझे भी देना। उस बंदे का नाम है डॉक्टर संतुष्ट वर्मा। आप लोग एक दूसरे से पक गए हो। Absolutely. आप लोगों के जीवन में फिर से सुख और शांति लाने के लिए आप लोग एक दूसरे से अलग हो जाइए। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं। अबे लौंडो, तुम ऐसे कैसे देख रहे हो मेरी तरफ भूखी नजरों से? तुम्हें देखकर मजा आ गया मेरी जान। महाराज जी, 5,000 रुपए दे दियो, हमारा ना कुछ दिनों को गुजारो है जाएगो। इन फरियादियों को 500 अशर्फियां दे दीजिए। महाराज की जय हो। नेक्स्ट। महाराज, मेरा एक दोस्त नल्ला था जिसको मैंने 5,00,000 रुपए उधार दिए थे, उसने अभी तक मेरे पैसे नहीं लौटा है। हम महाराज हैं, कोई पुंडे नहीं। महाराज की अनाउंसमेंट तो होगी और जरूर होगी। बामुलाइजा होशियार, नूरे जन्नते हूर, हैंडसम लाइक रणबीर कपूर, आईज लाइक करिश्मा कपूर, स्मेल्स लाइक कपूर, द किंग ऑफ रियासते झिंगूरपुर, महाराजा धीराज नलेंद्र प्रताप सिंह जी पधार रहे हैं। I like it. लेकिन लोग यहाँ सब जी महाराज, मैं हाथी का हाल समाचार लेकर आता हूँ। दफा हो जाइए जी। हाय दिया, आइए आइए महाराज जी, आइए आइए, अविराज जी। क्या बात है, क्या बात है, हमरे घर प्रिंस ऑफ झिंगुरपुर पधारे हैं। बाबू जी, आपको प्रिंस ऑफ झिंगुरपुर का प्यार भरा आदाब। क्या बोले? हमने कहा आदाब, आदाब।
आप? नहीं भाभी जी, वो गुनाह अजीम होता है। क्या बोले? हमने कहा आदाब आदाब। हाँ सही पकड़े हैं, he's hygienic. You're right. I'm completely, absolutely, clinically hygienic. लेकिन वो his highness होता है। सही पकड़े हैं। अब बताइए महाराज जी, ये प्रजा आपकी क्या सेवा कर सकती है? हमें इतनी हसीन प्रजा से सिर्फ मोहब्बत की उम्मीद है। क्या बोले? हमने कहा भाभी जी, हमें अपनी प्रजा से बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्या खबर लाए हो पुराने मुनीम? महाराज, कल आपका राज्याभिषेक है, आपका हाथी तैयार है ना? हमने सुना है कि हमारे हाथी के पेट में कुछ गड़बड़ है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, हाथी की हालत बड़ी नाजुक है, उसके पेट में कुछ भी रुक ही नहीं रहा महाराज। तो कुछ रुकवाओ, डॉक्टर को बुलाओ। परंतु समस्या ये है महाराज कि कानपुर शहर में एक भी हाथी का डॉक्टर है ही नहीं, हमें दिल्ली से डॉक्टर बुलाना पड़ेगा महाराज। अरे तो डॉक्टर को बुलाओ, उस हाथी को ठीक करवाओ, क्योंकि उसी हाथी पे बैठ के महाराज का राज्याभिषेक होने वाला है। महाराज, पर डॉक्टर को बहुत बड़ी रकम फीस के रूप में देनी पड़ेगी महाराज। महाराज क्या गए गुजरे हैं? महाराज क्या कंगले हैं? खामोश। महाराज के पास बहुत धन दौलत है, डॉक्टर को बुलाओ चाहे जितना पैसा लगे। 10,000 दीजिए महाराज, हाथी को खिचड़ी देनी है और डॉक्टर को फीस। आग बंद करेगा? कमीना आदमी, मेरे हाथ लग जाए ना तो मैं तो उसका। तू गालियां दे रही हो, मेरे को चुभ रही हैं गालियां सीने में यार। तुम्हें क्यों चुभ रही है जरा मैं जान सकती हूँ? क्योंकि वो घटिया कमीना आदमी मैं ही हूँ। मुनीम जी, पापा महाराज क्या कह रहे थे? पापा महाराज कह रहे थे कि ये राज्याभिषेक रोक दो। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि आप रॉयल फैमिली झिंगुरपुर के असली वंशज नहीं है। व्हाट? हाय दिया, दादी और पापा आपसे पूछ रहे थे कि आप खाने में क्या बना रही हो। चिकन बनाए रहे। ये चिकन चिल्ले चमचे, मैं आ रहा हूं तू उधर ही रह। तुम्हारे लिए चाय ले आएगा? चाय में क्या धरूं, हमें ना पीने। ठीक है, हम चिकन बनाए रहे। हाँ तुम कहीं इतने घूम रहे, चलो हमारे संगे अंदर, चलो चुपचाप आओ। तूने ये आग लगाई है ना, तू बार बार मेरे रास्ते में अड़चन बनती है, आज मैं तेरा खेल ही खत्म कर दूंगी। मैंने आने को मना किया था ना, हमारे साथ चलाकी करने की सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी मुश्री। नरमी जी, तुम्हें सिर्फ इस घर से निकाल कर बहुत बड़ी गलती कर दी हमने, तुम्हारा मर जाना ही बेहतर है। आज तुम्हें हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कान्हा की लीलाओं का हिस्सा बनी, अपने अंत का अनुमान लगा चुकी कीर्ति अपनी पुत्री राधा को देख होती है भावुक। संसार में जो भी घटित होता है वो जीव के कर्मों का फल होता है। नहीं मानती मैं आपके इस तर्क को, कान्हा को लेकर आप भयभीत हैं, मैं नहीं। कंस के कार्यों में बाधा बने शनि देव के समक्ष कंस स्वयं करता है शस्त्र धारण, अब कैसे रोकेंगे कान्हा इस महाविनाश को? मैंने आने को मना किया था ना, हमारे साथ चलाकी करने की सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी मुश्री। नरमी जी, तुम्हें सिर्फ इस घर से निकाल कर बहुत बड़ी गलती कर दी हमने, तुम्हारा मर जाना ही बेहतर है। आज तुम्हें हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दादी और पापा आपसे पूछ रहे थे कि आप खाने में क्या बना रही हो। चिकन बनाए रहे। चिकन चिल्ले चमचे, मैं आ रहा हूं तू उधर ही रह।
तुम्हारे लिए चाय ले आएगा? चाय में क्या धरू, हमें ना पीने। ठीक है, हम चिकन बना रहे हो। तुम कहीं इतने घूम रहे, चलो हमारे संगे अंदर। चलो चुपचाप आओ।